हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत बड़ा कोड आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये कोड जो है पाइथन पे लिखा गया है और ये तो ऊपर सबसे पहले प्रिंट लिखा गया है, तो प्रिंट में जो लिखा जाता है वही चीजें प्रिंट हो जाती हैं। हालांकि ये डेटाबेस जो है स्कूल मैनेजमेंट का है, ठीक है, और स्कूल ही नहीं बल्कि स्टाफ मैनेजमेंट का भी ये डेटाबेस है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और हमारे जो डेटाबेस का है वो नाम क्या है, यहाँ पे नाम देखिए दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, यहाँ पे देखिए डेटाबेस का नाम रखा गया, क्रिएट डाटाबेस, ये कमांड है। इफ नॉट एग्जिस्ट दिया गया, अगर ये मौजूद नहीं है तो क्या नाम दे दीजिए, पाई स्कूल नाम से एक डेटाबेस बना दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्रिएट कमांड चलाया गया, जैसे कि आप माई एसक्यूएल पे चलाते हैं। अब तक तो हम माई एसक्यूएल पे बनाते थे, पाइथन पे फेच कराते थे, लेकिन अभी हमने पाइथन पे बनाया है और माई एसक्यूएल पे फेच करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्रिएट टेबल है, अगर मौजूद नहीं है इस नाम से टेबल बन जाए और उनमें ये चीजें आ जाएं, जैसे कि आप लिखते हैं आमतौर पर माई स्कूल पर। और फिर अगर ये चीजें ट्रू हो तो यहाँ पे चॉइस दिया गया है, वन प्रेस करें तो स्टूडेंट का नाम आप एंटर करवा पाएंगे, स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करवा पाएंगे, टू प्रेस करेंगे तो स्टाफ का रिकॉर्ड एंटर करवा पाएंगे, थ्री प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट का डाटा एंटर करवा सर्च कर पाएंगे, फोर प्रेस करने पे स्टाफ का डाटा सर्च कर पाएंगे और फाइव प्रेस करने पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर पाएंगे, ठीक है, और सिक्स प्रेस करने पे स्टूडेंट का सॉरी स्टाफ का रिकॉर्ड डिलीट कर पाएंगे और सेवन प्रेस करने पे एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कोडिंग करी गई है और इसकी पूरी कोडिंग यहाँ पे देख सकते हैं सब करी गई है। और अभी इसको चलाने की बारी है, एक बार इसको कोड को यहाँ देख सकते हैं, नीचे ब्रेक भी लिखा है मैंने, और यहाँ पर इस कोड को चलाते हैं देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गए और ये जाने पर ये इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है स्कूल मैनेजमेंट, डाटाबेस का क्या नाम है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका क्या नाम है, स्कूल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर चॉइस एंटर करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे पहला चॉइस एंटर करता हूँ तो तुरंत यहाँ पे स्टूडेंट का नाम एंटर करने को कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नाम लोकेश एंटर कर देता हूँ और एंटर फिर प्रेस करता हूँ, और ये स्टूडेंट जो है क्लास 12 से बिलोंग करते हैं जिनका की रोल नंबर 1 है, और यहाँ पे एंटर किया और ये मेल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया है। अब दूसरा भी चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया इसको हमें देखना है, ठीक है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर आपने डेटाबेस का हमने क्या नाम दिया है, पाई स्कूल नाम दिया है, फिर टेबल जो बनाया है वो पाई स्टूडेंट के नाम से बनाया है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं माई स्कूल में, ये तो चेक करना पड़ेगा। तो एक बार आइए चेक करते हैं, माई स्कूल को ओपन करते हैं। तो यहाँ से माई स्कूल को ओपन किया हमने, और ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये माई एसक्यूएल ओपन हो जाता है, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हम बताऊं कि यहाँ पर किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। माई एसक्यूएल ओपन हो गया है, अब शुरुआत करनी है कि यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि डेटाबेस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखेंगे शो डाटा बेसिस, तो शो डाटा बेसिस कमांड चलाएंगे और यहाँ पर टर्मिनेशन देंगे, और टर्मिनेशन दे करके यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको चलाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे डेटाबेस आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक पाई स्कूल नाम से भी डेटाबेस आपको देखने को मिल रहा है। अब ये पाई स्कूल कौन सा डेटाबेस है जो हमने बनाया है पाइथन पर, यहाँ पे देख सकते हैं ये पाई स्कूल नाम से ही हमने डेटाबेस बनाया है, यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। और अब टेबल किस नाम से बनाया है, तो टेबल बनाया है पाई स्टूडेंट नाम से, तो ये भी नजर आना चाहिए, ठीक है, सही बात है, अगर बना है तो नजर तो आना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम जाएंगे वापिस से और चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन से, अब चलिए इसी को यूज कर लेते हैं। तो यूज क्या नाम है डेटाबेस का, पाई, एक बार चेक करते हैं, ये देखिए पाई स्कूल है, तो पाई स्कूल यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, टर्मिनेट करते हैं, और यहाँ पर इसको जब चलाएंगे तो ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो जाना चाहिए, हो भी गया। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन से टेबल्स हैं, तो शो टेबल्स कमांड चला करके चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे शो टेबल्स कमांड चलाया आपने और यहाँ से जाकर के और इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सारे टेबल्स नजर आ रहे हैं, दो ही टेबल, एक पाई स्टाफ है, पाई स्टूडेंट है। फिलहाल हम जाएंगे पाई स्टूडेंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम पाई स्टूडेंट को देखने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट कमांड यूज करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पाई स्टूडेंट, है ना, तो ये लिखा पाई स्टूडेंट, इस तरीके से पाई स्टूडेंट दे दिया हमने। और यहाँ पर क्या करेंगे, टर्मिनेशन देंगे, ठीक है। तो ये फ्रॉम जो है ये पाई स्टूडेंट से अलग होगा इस तरीके से, और अब इसको सेलेक्ट करके चलाने की बारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी आए हुए हैं, यहाँ पे एक आध रिकॉर्ड गलत भी हो गया है, आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है इसमें आ चुका है, ठीक है। ये बहुत सारे रिकॉर्ड, मैंने पहले भी कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कराए थे, अभी अभी लोकेश वाला रिकॉर्ड इंसर्ट कराया है, तो यहाँ पे लोकेश भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप कोई और भी रिकॉर्ड एंटर करवाते हैं इसमें, जैसे इसको चला दिया और कोई और भी रिकॉर्ड एंटर करवाते हैं, लाइक यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है, पहले तो इसको क्लोज करता हूं मैं पूरा,
ये पूरा भर जा रहा है, यहां से इसको क्लोज करूंगा और फिर इसको चलाऊंगा। तो अभी यहां पर मैं F1 प्रेस करता हूं वापस से, और इसमें गौरव एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहा हूं, क्लास 12th ही है और रोल नंबर है इनका 5। तो यहां पर ये देख सकते हैं और ये मेल है, तो यहां पर एक और रिकॉर्ड आ जाना चाहिए जैसा कि यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर एक बार सेलेक्ट करके चेक करेंगे कि ये गौरव वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो यहां से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए गौरव वाला रिकॉर्ड भी आपको इंसर्टेड मिलेगा इसमें, ठीक है। यहां पर देखिए मैं फिर दिखाता हूं आपको, यहां पर देखिए नीचे गौरव वाला रिकॉर्ड भी इसमें इंसर्टेड है, आप देख सकते हैं यहां पे, ये देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अब ये डिटेल जो है, ये कोडिंग का पूरा डिटेल एक वीडियो में कवर करूंगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन उस वीडियो में ये पूरा कोडिंग आपको बता दूंगा कि ये कैसे कैसे करना है, तो क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ ये कोड चाहिए तो आप हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सूरज सर कंप्यूटर वाले, वहां से जाकर के इस कोडिंग को ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जरूरत है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, और फिर आप टेलीग्राम चैनल से इस कोड को उठा सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सूरज सर कंप्यूटर वाले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।